दोस्तों, घूमते हुए पंखे में धूल क्यों और कैसे जम जाती है? घर के पंखे साफ करते समय आपने कई बार ये सोचा होगा कि आखिरकार पंखे गंदे क्यों हो जाते हैं, क्योंकि पंखे इतनी फास्ट घूमते हैं फिर भी उनमें धूल कैसे जम जाती है। दरअसल जब पंखे घूमते हैं, पहले वो पीछे से हवा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और फिर हवा को पुष करते हैं। इस प्रोसेस के चक्कर में पंखे में सराउंडिंग की नमी लग जाती है और फिर धूल उस नमी से चिपक जाती है और फिर धीरे धीरे करके उस पर धूल जमने लग जाती है, और ये इतनी मजबूती से चिपकती है कि पंखे के इतनी तेज घूमने से भी अपने आप नहीं निकलती। और गर्मी में पंखे ज़्यादा गंदे होते हैं क्योंकि गर्मी में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो कुछ समझे कि पंखे में धूल कैसे जमती है। अगर वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया यार।